ये कह रहा है शेयर योर स्क्रीन विथ योर ऑडियंस, मतलब लाइव हो गया। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहंदी है, तभी तो ये दुनिया स्वाद लेंदी है। नाले जेड़े रस्ते ते टूटे आओ ते बदनामी हाई रेट मिलूगी, इत्ते कंट्रोवर्सी गरेट मिलूगी, धर्म दे नाम ते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलू 295 दे, झूठ बोलेगा तो रा 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 रा। कुछ तेनू थल्ले उते लाना चाहते ने। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 17 के एक और एपिसोड के रिव्यू में। कुछ आपके लिए कहना चाहता हूं, मिस तो मैं आप लोगों को बहुत करूंगा। ये एक लेफ्ट में लाइट, एक राइट में लाइट, एक सामने से कैमरा, एक स्ट्रीम बनाना, एक एपिसोड को देखना और फिर आपको दिखाना, याद तो बहुत आएगा। बिग बॉस ने बड़ा इमोशनल करने की कोशिश की हमको और बड़ा ही आंसुओं भरा, दर्द भरा, तकलीफों भरा दिन था। आई अम्मा, मन्नारा भी लगातार रोती हुई दिख रही थी और विक्की भैया इस घर से चले गए। विक्की भैया, आई जस्ट वॉन्ट टू से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, यू आर फ्रॉम बॉटम ऑफ माई ब्रेन, सॉरी नॉट फ्रॉम हार्ट, यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। आप करंट, आप पावर, आप जबरदस्त खिलाड़ी। विक्की भैया, बता रहा हूं आपको मैं कि वैसे चाहे दुनिया बोले कि आपको कितना जानते थे, नहीं जानते थे, बट आप खोपड़ी भाई, दिमाग जबरदस्त। मतलब लोगों ने मेरी हमेशा तारीफ की है दिमाग की, हमेशा मुझे कहा है कि मैंने एक बहुत जबरदस्त वाला सीजन खेला, मुझे मास्टरमाइंड कहा गया। और यहाँ पर टैग्स इन्होंने किसको दिए, नहीं दिए, दिए नहीं दिए, से फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्युटली आप एक जबरदस्त खिलाड़ी, आप एक कमेंडेबल खिलाड़ी। आपने हमेशा अपनी टीम बनाने की कोशिश की, अपना एक गेम सेट करके रखा, अपने एक वाइब बना के रखी, आपने गेम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। आपने इनफैक्ट अपनी बीवी के रिश्ते को भी उतनी प्रायोरिटी नहीं दी कि मैं उसको बाहर जाके देख लूंगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थे। आप जिनके साथ थे आपने उनका साथ नहीं निभाया, आप जिनके साथ नहीं थे उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। विक्की भैया, आप एक जबरदस्त खिलाड़ी, मजा आ गया आपको देख करके। अगर बिग बॉस ने आपके गेम की वाट नहीं लगाई होती ना, यू आर आइकॉनिक प्लेयर मैन, आई मस्ट से। आप एक सिर्फ खिलाड़ी नहीं, जबरदस्त वाले खिलाड़ी हो। और ऐसे आदमी अगर पैसे वाले पैदा हो तो जिंदगी और आसान हो जाती है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बहुत इजीली कर लेते हैं। सो मजा आया विक्की भाई आपके किरदार को देख करके। और अभी ये टाइम था आपके जाने का, और बिग बॉस थोड़ा सा तो कंफ्यूज लोगों को रखते ही हैं कि अब यहाँ पर उन्होंने अभी भी अरुण को रखा हुआ था और आपको भेज दिया था। नो डाउट वोट्स के चलते अगर देखा जाए तो अरुण को वोट ज्यादा ही मिल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्टेंट भर भर के था, जबरदस्त वाला कॉन्टेंट था और मजा आ गया इस चीज को देख करके। आपकी वाइफ अगर टूट रही है, परेशान हो रही है, ड्रेन हो रही है, थक रही है, उन्हें डर लग रहा है कि आगे के दिन कैसे निकालूंगी, तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपने सॉफ्ट थ्रेट करके बिग बॉस को अपने आप को इतने दिन तक एक्सटेंड कराया। वरना बिग बॉस चाहते तो आपको बहुत पहले निकाल सकते थे, और चाहते क्या, बिग बॉस चाहते थे कि आपको वो पहले निकाल दें, लेकिन आप उनके गले की हड्डी बने रहे। आपको तोड़ा, बिखेरा, बहुत ज्यादा बुरा किया आपके साथ, मगर आप गेम के अंदर फिर भी रहे। तो यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर, नो डाउट। हम आपको मिस करेंगे और सीजन 17 कहीं ना कहीं विक्की भैया के नाम से भी जाना जाएगा। यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। अगर स्टैंडिंग ओवेशन की बात है तो ये लीजिए विक्की भैया। मेरे दिल से एकदम आवाज आई कि विक्की भैया के लिए ऐसा क्यों नहीं। ये विक्की भैया, स्क्रीन हमारा थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम आपको साइड में करते हैं। यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। मजा आ गया विक्की भैया आपको देख करके और अच्छा लगता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे मुनव्वर ने भी आपके लिए कहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, माइंडेड आदमी के साथ मिलकर के एक माइंडेड आदमी को बहुत जबरदस्त लगता है। So your game was superb, superb. चलिए, आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि बिग बॉस ने यहाँ पर विक्की भैया को इतने दिन तक रोक के इसलिए रखा क्योंकि क्योंकि विक्की भैया और अंकिता अक्सर बिग बॉस को इनडायरेक्टली डरा भी दिया करते थे कि इसका रहना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अंकिता बिखर जाएंगी, खेलेंगी नहीं, छोड़ने को तैयार है। एक बार 2 करोड़ का मसला भी सामने आ गया था, विक्की ने कहा था 2 करोड़ देने पड़ेंगे तो दे दूंगा। उसने थ्रेट किया था बिग बॉस को इनडायरेक्टली, और बिग बॉस को पता था कि अंकिता अकेले में शायद, यार भाई उसको पानी बोलना, शायद अंकिता अभी जैसा खेल रही है उससे और ज्यादा कहीं कम ना खेलने लग जाए। इस वजह से बिग बॉस ने उसको बाहर भी नहीं निकाला, आपको बाहर भी नहीं निकाला, क्योंकि बिग बॉस को आइडिया था इस चीज का कि आपके बिना सरवाइव नहीं कर सकती थी। एंड दैट्स योर लाइक तरीका टू होल्ड थिंग्स सराउंडिंग अंकिता कि आपने इस चीज को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया। आपकी रिलेशनशिप्स में इतने अप एंड डाउन्स थे, नो डाउट, बहुत लड़ाई झगड़े आप पति पत्नी के बीच में थे, मगर ऑर्गेनिक पति पत्नियों के बीच में तो झगड़े होते हैं। आपका फिर चाहे प्लान था या नहीं था, पर आप अपनी बीवी को जिस तरह पुश करते थे हमेशा आगे के लिए, और खुद चाहे बेड लाइट में भी चले जाते थे, पर इसके लिए भी एक जिगर चाहिए, इसके लिए भी एक बहुत दूर की बड़ी प्लानिंग चाहिए। पता था आपको कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन मैं किसी और की जीत बन सकता हूं, तो ये बहुत जबरदस्त वाली बात थी। बिग बॉस ने अगर आपको और मुनव्वर को अलग नहीं किया होता तो बिग बॉस चाहे सामने 200 लोग और लेके आए थे, आप उन सबको भी रवाना करने की हिम्मत रखते थे। यू आर अ कमेंडेबल प्लेयर। फिर चाहे आपका लड़कियों के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती रखना और लड़कों को ऐसे नीचे डाउनग्रेड में बिठा के रखना आपने, यू आर अ प्लेयर, यू आर अ प्लेयर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मन्नारा लगातार बार बार रोती हुई दिखा। अच्छा, आप लोगों ने सुना अपने टीवी पर कि वो पप्पी उप्पी वाला सीन हो गया था? आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्नारा ने कर लिया था मुनव्वर को और मुनव्वर इसलिए दूर हुआ था? आप में से कितने लोगों को पता है? मुझे तो पता नहीं था, लाइव फीड में आया था क्या कि बिग बॉस ने काट दिया और इस बारे में बात भी नहीं हुई। इसीलिए सलमान सर बार बार लाइक 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 वाली बात बोल रहे थे, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा समझने लायक है। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, तो ये वाली बात भी देखने को मिली और साथ ही साथ मन्नारा के बहुत सारे इमोशन देखने को मिले। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने धोखा कर दिया उसके साथ। वो सोच रही मेरे साथ इतना बुरा बुरा हो गया, मेरा विक्की के साथ नाम जुड़ रहा, मेरा समर्थ के साथ नाम जोड़ दिया ईशा ने, मेरा सबके साथ नाम जुड़ रहा, पर मैं जहाँ जोड़ना चाह रही थी वहां जोड़ नहीं रहा। ये आदमी समझ नहीं रहा बात को। खैर, मुनव्वर ने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों दूर होने लगा मन्नारा से, मन्नारा को मुनव्वर समझता बहुत अच्छे तरीके से। और कहीं ना कहीं गाइस आज के पूरे एपिसोड को भी आप देखो तो मैं ये नहीं कह रहा कि मन्नारा मुनव्वर को पसंद करती है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, पर मैं कह नहीं रहा, पर कह देता हूँ, पर रहने देता हूँ, पर कह ही देता हूँ, पर छोड़ो इस बात को। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि मन्नारा एक्चुअली, उनकी सिस्टर का एक इंटरव्यू है, इनडायरेक्टली इंटरव्यू मैंने एक देखा था जिसमें उनको एक फ्रेंड चाहिए होता है। वीकेंड का वॉर पे भी कह रही थी कि दोस्त या मेंटोर या फ्रेंड या गाइड करने वाला या समझाने वाला। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मन्नारा को एक गार्जियन टाइप ऑफ इंसान की जरूरत हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर रहती है, और अगर वो ना मिले तो वो उसके लिए वो गलत बोल देती है। ये एक उनके नेचर के अंदर है, या फिर वो सपोर्ट नहीं करे तो वो गलत बोल देती है। ये वाली चीज भी दिख रही है। तो मन्नारा के बारे में ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि अगर मुनव्वर उसका साथ दे तो वो आराम से 150 दिन और इस घर में रह सकती है, वरना अकेले में तो उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मन्नारा की एक और पर्सनैलिटी की स्पेशलिटी भी है दोस्तों कि वो बड़ी वोकलर है, मतलब घबराती नहीं है, डरती नहीं है। आज भी अंकिता को किस तरह वो छोड़ के निकल गई और वो अरुण जी को कह रही थी कि अरुण जी देखो ये किस टाइप की औरत है कि ये प्रेस के सामने मुझे जितना ह्यूमिलिएट करना था, जितना इंसल्ट करना था उसने कर लिया। बाद में आकर के वो मुझसे गले मिल रही है, मुझसे चाय पूछ रही है, मुझसे चाय पूछ रही है बाद में। माय गॉड, ये कैसे लोग हैं ये! मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना। ये किस टाइप के लोग हैं अरुण भाई! लिटरली अगर आप चले गए ना तो मैं बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहे आपको कॉमिक वे में बता रहा हूं, बट रियली उसके अंदर गट्स हैं कि वो इस बात को बोल पाती है। बाकी के लोग तो यहाँ पर किसी का दिल दुखाने के बाद अगर जाके उससे गले मिलते हैं तो लोग उनसे गले मिल लेते हैं, लोग उस बात को उतना भूल जाते हैं, पुराने जख्मों को। लेकिन मन्नारा इज मन्नारा। लाइक मन्नारा की पर्सनैलिटी आई मस्ट से, बिग बॉस आपने उसको बहुत फेवर किया होगा, बहुत वीकेंड्स पे आपने उसकी बहुत सारी बातों को हाईलाइट नहीं किया होगा, बिकॉज बिग बॉस बहुत पहले समझ चुके थे। आप समझो मेकर्स कितने स्मार्ट, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उनको पहले से पता था कि अगर मन्नारा को थोड़ा सा भी प्रेशर किया या टॉर्चर किया तो ये निकल ही जाएगी। तो समझो ना, जिनमें सहन करने की शक्ति होती है, दर्द भी खुदा उनको देता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती है, इसलिए इसको ज्यादा वो चीजें दी भी नहीं गई और ये रखती भी नहीं अपने दिल के अंदर। जिसको जो बोलना हो खुल के बोल देगी, गलत बोलना हो गलत बोल देगी। अंकिता जी को नहीं पसंद किया तो पूरे देश को इसने बता दिया कि इसने अंकिता जी को पसंद नहीं किया। अंकिता जी किस तरह से इसको लगती है, एरोगेंट लगती है। और हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि इसने पेट भर के अंकिता जी को छेड़ा, लगातार छेड़ा, बिना रुके हुए छेड़ा। विकी जी से बात करके इसने वो सब कुछ किया। आज भी अपने टेंट्रम्स किचन एरिया में मुनव्वर को दिखा करके गई, मुनव्वर समझाने के लिए गया तो उसने कहा तू ही तो है, तेरे साथ मैं रह सकती हूँ, तेरे साथ बैठ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। बिकॉज सी, उसने अपने इमोशंस दिखाने चाहे तो वो डेस्परेट दिखी, बट रियलिटी पर्सनैलिटीज ऐसी आपको दिखती है। उसने अपना रूडनेस दिखाई तो हमको लगा कैसी है यार, 10 मिनट पहले प्यार कर रही थी, 10 मिनट बाद में ऐसा कर रही है। तो ये मन्नारा का बिहेवियर है। मन्नारा ने अपने आप को आई मस्ट से कि शायद उसको इतना एक्सपीरियंस टीवी का नहीं था, इन रियलिटी शोज का नहीं था, तो मतलब उसने खुल के अपने किरदार को आप लोगों को बेचा इज नॉट राइट वर्ड, उसने अपने खुल के किरदार को आप लोगों को दिखाया। और एक इंसान के अंदर फ्लोज होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। तो आई मस्ट से कि मन्नारा एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। उन्होंने मतलब उसने घर को डोमिनेट करने की भी कोशिश की। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये लोग, मैं अच्छे से रहूं, इंसानियत से रहूं, प्यार से रहूं। नहीं, लड़ना है तो लड़ना है, डरना नहीं है लोगों से, फिर चाहे रिश्ते खराब हो रहे हैं तो खराब हो रहे हैं। कभी वो डरती भी दिखी तो भी आपको स्क्रीन पे लगा कि वो ईशा से लड़ने में डर रही है, वो ईशा की बराबरी उस लेवल तक नहीं कर पाएगी जिस लेवल तक ईशा चली जाती है। इतने में अरुण जी उसको समझाते कह रहे ये 4-5 दिनों का मन्नारा और यहाँ पे सफर काटने को नहीं हो, इतना सा सफर यहाँ पे होना, उसके बाद में तुम्हारा अपना कोना और अपना अपना कोना है। इन लोगों को पूछना इनका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि काय को ये साले क्या करते नहीं करते। और अंकिता जी के बारे में तुमको क्या बात करनी है, अंकिता जी के अंदर तो अपरिचित हो ना, अभी वो पहले तुम्हारे से अपरिचित की तरह बर्ताव करती है और बाद में हम भी बन जाती कहना चाह रहा है कि अंकिता जी ऐसे करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बन जाती है अपना अपरिचित। इसने बहुत सारी गलतियां की है, ये हमेशा उल्टा सीधा बोलती है और ये हमेशा मेरे पति को छेड़ने की कोशिश करती है, इस तरह की हरकतें करती है, इसके दिमाग के अंदर कुछ और चलता है, करती कुछ और है, ये औरत अपने आप को बताती कुछ और है, बनती कुछ और है। और इसने मुन्ना के साथ भी ये किया, घर में हम सब सारे लोगों के साथ गलत किया अम्बी। पर क्या हो गया मन्नारा, ऐसा होता है, छोटी मोटी चीजें हो जाती है, इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। बट ठीक है ना, ये फ्लोज हैं लाइफ के, तुम्हें समझने पड़ेंगे। तुम करो विक्की से बात, मुझे कोई अपरिचित। उसके बावजूद भी ये लड़की हर किसी को स्कम क्लास बुला करके उल्टा सीधा बोलती, लड़कियों की बेइज्जती करती। मैंने इससे 10 बार बात करने की ट्राई की ढंग से कि मैं इससे अच्छे से बात कर लूं, मगर ये समझती नहीं है अम्बी। तो क्या हो गया, तुम करो विक्की से बात, विक्की से करनी विक्की से कर लो, मुझसे करनी है मुझसे कर लो, हम दोनों में से किसी से भी बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-5 days आर लेफ्ट ओनली। मैं चाहती हूँ तुम अब अच्छे से लोगों से बात करो अपरिचित, और मैं तुझे इस घर के अंदर जीने नहीं दूंगी। और तुझे क्या लगता है तू लड़कों को ऐसे पागल बना करके इस घर के अंदर रह लेगी? बहुत है अरुण भाई, मजा आ गया आपकी बात को देख करके। कह रहा है अपरिचित औरत है ये, कभी भी बदल जाती है, कभी भी कुछ भी करती है। देखो गाइज, इस घर में अगर सबसे टफेस्ट जर्नी अगर आप किसी की मानते हो ना, तो मैं अरुण भाई की मानता हूँ। पूछो कैसे, पूछो नहीं, आप पहले लिखो, यहाँ पर बताओ, लिखो मुझे मनु भाई बताओ, आप एक बार लिखो मनु भाई बताओ, बताओ आप एक बार लिखो, मैं उसके बाद बताऊंगा आपको। आप पहले एक बार बताओ, पूछो पूछो, बोलो 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 बोलो, पूरा सीजन ऐसे निकाल दिया अरुण भाई ने, पूरा सीजन। बिग बॉस कह रहा है मैं बायस था, मैंने भी कुकड़ू को कम बजाया। हाँ मैं जागा हो ना, मैं जागा हो ना। आई नहीं बिग बॉस का भरता, मैं सोता, वही बिल्कुल नहीं सोते। हाँ फिर ठंड पड़ रही थी ना, जब ठंड, तो ठंड में ऐसे बैठ के पूरा सीजन निकाल दिया अरुण भाई ने। लेकिन गाइस ये तो हुई मजाक, लेकिन अगर इसको सीरियसली कहा जाए ना, इसको अगर सीरियसली कहा जाए, उस बेचारे को कहीं कोने में फेंक दिया इन लोगों ने, उससे बात नहीं की, उसको इज्जत नहीं दी, उसको कहीं कोने में फेंक करके रखा। बट उसके बावजूद भी उसकी सर्वाइविंग देखो। मुझे ऐसा लग रहा है अरुण भाई को सजा मिली, बाकी सबको तो यहाँ पर बिग बॉस सीजन 17 मिला, अरुण भाई को सजा मिली भी थी। आप अकेले में कोने में रहेंगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा, अंत तक उससे कोई बात करने को तैयार नहीं। पर उस आदमी ने एक बार भी मुझे घर जाना है नहीं बोला, सिर्फ तहलका जाने वाले टाइम के अलावा। सौरभ भाई, दुश्मन होने से इस घर में सरवाइव हो सकता है, दोस्त होने से इस घर में सरवाइविंग आसान हो सकती है, लेकिन किसी के भी ना होने से, गाइस मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस घर में एक पल निकालना, सिंगल मिनट निकालना, मतलब जानलेवा हमले की तरह होता है। 5000 तरह के थॉट्स आते हैं। और आज जिस तरह अरुण भाई बोल रहे थे कि मैं बच्चे की तरह अपने घर में रहा, कभी समझदार नहीं बना, मैंने किसी चीज को गौर नहीं किया, मस्ती में जी रहा था, पर बिग बॉस आपने मुझे मेरा पिछवाड़ा धूप में सिखा करके मुझे सिखा दिया कि लाइफ क्या होती है। आज मैं मर्द बन गया। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस थिंग गाइस, आपको माननी पड़ेगी इस बात को कि उस आदमी की जर्नी बहुत ज्यादा तकलीफ वाली है। मुनव्वर पर आयशा के अटैक्स हुए होंगे, अभिषेक ने कंटिन्यूसली ईशा को झेला होगा, वीकेंड्स पे गालियां खाई होगी, बिग बॉस से भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इग्नोरेंस कितनी बुरी होती है पता है। रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को गाली दे रहे हो या वो गाली दे रहा है, आपको चलता है बिकॉज आप इंगेज तो होता है आपका ब्रेन। उसको तो कहीं कोने में फेंक दिया गया था अकेले को। यार अरुण भाई, आप जबरदस्त आदमी हो यार। आपका बैंगन का भरता खाने के लिए मैं 4 महीना को आने को बिल्कुल तैयार, और बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार। आप एक बार इन्वाइट कीजिए, मजा आ गया। और आपकी बीवी और आप और आपका बच्चा, जबरदस्त भाई। अरुण भाई आपके लिए कहना पड़ेगा, आप एक बहुत 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 शानदार आदमी हो, मजा आ गया आपको देख करके, इस शख्सियत को सलाम है, सब जबरदस्त जबरदस्त। अंकिता जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों से बात करती हुई, भावनाओं में बहती हुई, बार बार मन्नारा के पास जाती हुई, मन्नारा से बात करती हुई, चीजों को ठीक करने की ट्राई करती हुई, कोशिश कर रही थी कि मन्नारा पंप अप हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि आपने बॉस एक चीज देखी होगी कि अंकिता ने कभी भी लोगों को चला करके छेड़ा नहीं है, चला करके तंग नहीं किया है, किसी के भी जोन में जाके उनको अनकंफर्ट नहीं किया है। आप पहले करेंगे, उसके बाद उसका कोई साइन आ सकता है, और उसके बाद अगर उसका कोई साइन आ भी गया कि उसने रिटर्न में आपके ऊपर काउंटर अटैक किया, पर उसके बावजूद भी आप अगर फिर सॉरी मांग लेंगे, आपको फिर माफ कर देगी। ये तो अंकिता कन्नर है, तो शी इज लिविंग बाय हार्ट। वो जीती तो अपने दिल के साथ है, और वो दिल वाली औरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने हमेशा लोगों को माफ करने की कोशिश की है, फिर चाहे मन्नारा को पसंद नहीं होगी। सी, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपको कोई क्यों किस लिए पसंद नहीं करता, दैट्स डिपेंड टू पीपल। लाइक मुझे भी कई लोग पसंद नहीं करते होंगे, राइट? और मुझे कई लोग बहुत पसंद करते होंगे। ये सब किरदार पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किसे चाहें किसे नहीं चाहें। पर यहाँ पर पहली बार ऐसा दिखता है कि एक लेडी ने बहुत कुछ लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश की और लोगों ने उसको रिटर्न में नहीं दिया था फेवर। ये बात बिल्कुल अंकिता के साथ दिखती है, फिर चाहे वो ईशा हो, मन्नारा हो, आयशा के साथ भी बैठने की ट्राई कर ली थी, नील से भी दोस्ती हो गई थी, अरुण भाई से भी वो डिसअपॉइंटेड थी कि आप मुझसे बात बहुत अच्छे से करते हो अरुण भाई एंड तहलका, और आप लोग हमारे साथ में ऐसा कर रहे हो। विकी वॉज कनिंग एंड स्मार्टर, बट अंकिता ने तो गेम को तो बहुत बहुत तरीके से खेला, बट यहाँ पर उसको एक सपोर्ट भी था साथ में, बीच में मन्नारा रो दी, उसको एक सपोर्ट भी था बहुत साथ में, उसका पति जो कि नो डाउट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द हाउस। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि विकी का उसको बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट कंटिन्यू घर के अंदर रहा। मन्नारा कंप्लेन करती हुई दिखी लगातार अंकिता के बारे में, मुनव्वर के बारे में, अरुण जी को भी जाकर के उसने लास्ट में बोल दिया कि अरुण जी ये आदमी आपके लिए कह रहा है कि सोता सोता टॉप 5 तक कैसे पहुंच गया। तो ये मन्नारा का नेचर है, अगर आप कोई खिलौना खरीद के लाते हैं और मन्नारा का वो खिलौना है, मन्नारा उससे खेलना चाहती है, अगर कोई और उससे खेल रहा है या कोई और खेल के कंफर्टेबल हो रहा है या कोई उसका खिलौना ही किसी और के साथ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उस खिलौने को वो तोड़ देती है। तो इस तरह की मन्नारा आपके सामने है, अगर आप उसे चाहते हैं तो आप उसे प्लीज वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं अरुण भाई के बारे में आपको बता चुका, अंकिता जी के लिए आपको बता दिया। अभिषेक भी मुझे कई लोगों ने उसके वीडियोस भेजे अभिषेक के, उसकी जर्नीज भेजी कि अभिषेक दिल से वैसा नहीं है जैसा दिखा रहा है, वो अपने यूट्यूब के वीडियोस पे भी कंटिन्यूसली रोता है और रोना आ जाता है। तो मैं उसके जो वीडियोज यूट्यूब के शॉर्ट्स पे लोग कह रहे हैं कि वो इसी तरह से पागलों की तरह रो रहा होता है, तो एक इमोशनल आदमी उस तरीके का कंटेंट बनाता है, आप समझ रहे हैं, है वो इमोशनल, इसीलिए उसका इमोशनल कंटेंट बनता है कि वो इमोशन में आकर के रो देता है, जज्बाती है, उसको बार बार रोना आ जाता है हर चीज के ऊपर। जैसे कि आज मुनव्वर ने अपने बारे में कहा था कि अगर मैं इमोशनल नहीं हूं ना तो बहुत अच्छी बात है, कि मैं अगर बार बार इतना सेंसिटिव नहीं हूँ, घंटी वाली बात पे उसने बोला मैं सेंसिटिव नहीं हूँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं सेंसिटिव होता और अगर मैं इतना मजबूत जो मैं हालातों ने मुझे बनाया अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं आज होता ही नहीं। क्योंकि तकलीफों की अगर आप बात करोगे तो गाइस तकलीफें एक्चुअली शुरू गरीबी से होती है। कोई भी इंसान इसको कितना भी कवर अप करने की कोशिश करे, लग्जरिटी का कंफर्ट और प्रॉब्लम्स कुछ और होता है, लेकिन एक गरीबी का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको किसी भी तरीके का कोई भी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है गरीब कई बार ये दुआ तक मांग रहे होते हैं कि अगर कोई साला हाथ पैर आंख नाक टांग ये साला कम ज्यादा भी होता चलता, मगर पैसे होने चाहिए थे, क्योंकि कभी आप किसी गरीब से मिलेंगे पर्सनली, या आप हैं या आप हो सकते हैं, मजाक में कह रहा हूं, मतलब आप अगर बात करके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पेन्स होते क्या है। एंड आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता ईश्वर करे कि कोई भी इंसान उस सीढ़ी को या उस जज्बे को या उस जगह को जाकर के देखे। अगर आपने देखी है तो ईश्वर करें कि आप बहुत जल्दी तरक्की करें, अच्छे मकाम पर पहुंच जाए, मेहनत करते रहें। बट अब होता क्या है कि अब हेटर्स भी होते हैं और चाहने वाले भी होते हैं, वो घर के अंदर भी होते हैं, बिग बॉस हाउस के अंदर भी होते हैं, तो सबको सब लोग पसंद है, इट इज नॉट अननेसेसरी। ये एक मिरेकल टाइप्स है कि अभिषेक और मुनव्वर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको पता है, मुनव्वर को क्या आइडिया नहीं है कि अभिषेक बाहर से अंदर आया है तो मतलब इसकी भी डिमांड है, ये भी पूछा जा रहा होगा, इसके अंदर भी कोई पोटेंशियल और पावर होगा, क्योंकि ईशा इसके सामने बाहर चली गई, समर्थ भी जिसको इसने थप्पड़ तक मार दिया वो लड़का बाहर चला गया, मगर थप्पड़ मारने वाला घर के अंदर है तो क्या पता नहीं चल रहा है, पर फिर भी इन दोनों लड़कों की फ्रेंडशिप कंटिन्यू दिख रही है। यहाँ पर अंकिता की मुनव्वर के लिए फ्रेंडशिप कंटिन्यू दिख रही है कि मुनव्वर मुझे तेरे से सिर्फ एक चीज का हेट हुआ कि तूने उस दिन जिस तरह तू बैठा था, जिस तरह तू बात नहीं कर रहा था और जिस तरह तू बिहेवियर कर रहा था, मन्नारा खड़ी थी बीच में, तू उसको हटा नहीं रहा था। तो यहाँ पर एक सेल्फिश फिर भी दिखती है अंकिता जी की, कैसे दिखती है कि अंकिता जी सिर्फ मसाले चाहती थी विक्की के लिए उस समय। उन्होंने एक बार भी विक्की को नहीं कहा विक्की हट जा, दैट्स डिपेंड टू मुन्ना एंड मुन्नास टीम, इफ मुन्ना डोंट वांट टू प्ले फेयर तो मुन्ना की मर्जी ना यार, बट वो वहां पर मतलब दिखता है। लेकिन अभिषेक और मुनव्वर की दोस्ती में मुझे कहीं से भी कोई मतलब नहीं दिखता, स्पेशली अभिषेक की साइड से। क्यों नहीं दिखता कि अभिषेक कभी भी नहीं डरा मुनव्वर से लड़ने में, फिर चाहे तू मेरा स्टैंड नहीं लेता है, फिर चाहे तू मेरे लिए बात नहीं करता है, फिर तू मेरे लिए कभी खड़ा हुआ कर, और फिर चाहे तू क्या कंटेंट के लिए मुझसे लड़ रहा है। एंड सेम टाइम मुनव्वर अगर मिडिल ऑफ द सिचुएशन गया, उसको लगा अभिषेक एरोगेंट हो रहा है, आधा घंटा हुआ है अभी घर में आए हुए, तू सॉरी बोल करके आया, तू अपॉलॉजी करके आया, फिर तू अंकिता से लड़ रहा है, तो उसने भी लड़ने में गम नहीं रखा। तो दैट्स कॉल्ड अ बॉयज मैच्योर बॉयज फ्रेंडशिप, कि वहां पर उन लोगों ने एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने में भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके 10 मिनट बाद सॉर्ट आउट होकर के गले मिलते हुए भी दिखे। तो ये भी इन दोनों की फ्रेंडशिप सीजन 17 के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से जानी जाएगी। एंड टिल आप अभी तक भी देख रहे हैं कि अभिषेक ने मुनव्वर को हंसते हंसते काउंटर मारा, क्या जरूरत थी बैल के लिए तुझे इतना बोलने की, यार तुझे नहीं बोलना चाहिए था। वहीं पर आयशा से मत बात कर, आयशा मुनव्वर से मत बात कर, मन्नारा तुम्हारा क्या लेना देना जब तुमको मुनव्वर मना कर चुका है। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ फ्रेंडशिप। जब अभिषेक के बाहर निकलने का चांस था, मुनव्वर रेगुलरली उसको बोल रहा था कि देख ब्रो तू बाहर जा सकता है, तेरा गुनाह किया है तूने, तेरे से गलती हो गई है, हो सकता है बिग बॉस तुझे बाहर कर दे, तो तुझे समझना पड़ेगा, तुझे चीजों को देखना पड़ेगा, और चला भी जाता है तो तू जा सकता है बाहर, क्योंकि तेरे तूने अपना पाप का घड़ा खुद ने भरा है। तो दैट्स अ मैच्योरिटी ऑफ फ्रेंडशिप। क्या तमीज से बात करोगे तो अभिषेक बात नहीं सुनता, क्या अच्छे से समझाओगे तो मुनव्वर बात नहीं सुनता। क्या मुनव्वर ने 14 डेज तक आयशा को जिस तरह अटेंड किया था, हम सब लोगों ने बड़ी आसानी से कह दिया कि उसने गिल्टी कॉन्शियस होते हुए अटेंड किया, उसने गलती की थी इसलिए अटेंड किया, वो डर रहा था कि और राज बाहर नहीं निकल जाए, उसने अटेंड किया। लेकिन उसने बहुत क्लियरली ये चीज भी बोली कि मैं कुछ चीजों को पर्दे में रखना चाहता हूँ। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, बहुत फेमस है, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो इट्स काइंड ऑफ अ थ्रेटन, कि पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं। तो वो आयशा भले करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसको प्रोटोकॉल बना के रखा। आज भी मुनव्वर गया मन्नारा के पास बैठा और इतनी देर तक उसको समझाने के लिए गया, जबकि पीछे सारे घर वाले मजाक उड़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे कि अब मुनव्वर फंस गया, मुनव्वर थक जाएगा, मुनव्वर के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, पर वो लगातार उसको समझा रहा था। लेकिन समझा कैसे रहा था मुनव्वर पता है? शोले फिल्म के अंदर वो अमिताभ बच्चन रिश्ता मांगने चला गया था धर्मेंद्र के लिए, तो वो समझा रहा था मौसी मौसी लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा कमाता है, मगर शाम को पत्ते खेलने जाता है तो फिर पत्तों में पैसे हार जाता है। अब पत्ते खेलता है तो हार रहा होता है तो दारू पीनी पड़ती, दारू पीता है तो फिर मुजरा। तो मौसी आप समझते ही, बाकी लड़का हीरा है हमारा, लड़का हीरा। वैसे ही मन्नारा कह रहा मन्नारा मैं तुम्हारी इमोशन फीलिंग समझ रहा हूँ, प्रेस की प्रॉब्लम से गेट ओवर करो, ये तकलीफें जिंदगी के अंदर आएंगी, ये छोटी मोटी चीजें चलेंगी, पर तुम भी कोई दूध की धुली भी नहीं हो। हाँ मैं भी नहीं हूँ, तुम भी कोई दूध की धुली भी नहीं हो, तुम भी लोगों को छेड़ने से बाज नहीं आती हो। पर जिस तरह मुनव्वर उसकी बेइज्जती करते हुए उसको भाई प्यार बचपन सब दिखाता हुआ चला रहा था, मुनव्वर फारूकी ये एक ट्रॉफी कम पड़ जाएगी तेरे लिए, तू इतना शाना है। बट उसके बावजूद भी गाइस यहाँ पर एक टफ कॉम्पिटिशन है। इस पीक टाइम पर अंकिता का अब लगातार रोना, विकी के जाने के बाद विकी का बाहर चला जाना, सो समवेयर इज लाइक यहाँ पर अब एक और बहुत जबरदस्त वाला, आपको थोड़ी ड्रेन्ड, थोड़ी परेशान, लोगों को समझाती हुई, लोगों से लड़ती हुई, बगावत करती हुई, अपने पति के बिना अब संघर्ष करती हुई अंकिता भी आपको दिखेंगी। तो खेल तो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तीन बड़े धुरंधर लोग हैं, यानी अभिषेक, मुनव्वर और यहाँ पर अंकिता जी, तो इन तीनों के बीच में एक टफ कंपटीशन है। अब चुपचाप से सुमड़ी के अंदर अगर आकर के अरुण भाई ट्रॉफी लेके चले जाए तो हमको हैदराबाद जाना पड़ेगा भैया, तो हो सकता है वो भी जीत जाए अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो। पर यहाँ पर आज जितने पार्ट्स और जितने सीन देखे थे, तो अंकिता एक अच्छी औरत है, इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल लगती नहीं है, और अंकिता कभी चला करके लोगों को छेड़ती भी दिखती भी नहीं है। बिग बॉस ने भी अपने हिस्से का ट्रॉफी लेने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते हुए दिखे, लगातार बढ़िया बढ़िया चीजें बोल रहे थे, और वो ये कह रहे थे कंटिन्यूसली कि तुम मेरे बेस्ट प्लेयर्स हो, मैंने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर किए, विकी पर थोड़ा सा जुल्म ज्यादा था। फिर ईशा के बारे में बात की, आयशा के बारे में भी बात की और बताया कि किस तरीके के आप खिलाड़ी थे। सो यहाँ पर आप समझिए कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं, कुछ प्लानिंग्स भी है, कुछ चीजें भी है। विक्की बोलता है अरुण भाई को आप साउथ के अजय देवगन लग रहे हो, वो ऐसे बैठा था उस टाइम कह रहा है आप साउथ के अजय देवगन हो और अभिषेक की कितनी प्यारी इनोसेंट हंसी थी यार, कह रहा मत करो यार मत करो मुनव्वर भी ऐसे ऐसे करके बढ़िया वाला हंस रहा था। बहुत जबरदस्त चीजें थी यार आज की शो के अंदर। अब कुल मिला करके बड़ा मजा था। अब हमारे पास टॉप फाइव। कह रहा है मौसी, मन्नारा समझा रहा, मन्नारा तुम एक काम करो, तुम्हें ना बिग बॉस एक पेंसिल मंगवा लो, मुनव्वर कह रहा है पेंसिल, उस पेंसिल से ना स्केच करके इंसान बनाओ अपने तरीके के, क्योंकि अच्छी तो तुम खुद भी नहीं हो। कह रहा अच्छा क्ले मंगा लो, क्ले मंगा लो। और वो उससे फिर कह रही है हमने तो जितनी भी कोशिश की लोगों को समझाने की, पर काश मैं ऐसा कर पाती, पर ऐसा हो नहीं रहा मुझसे, मैं तुम्हें बदल देती। मन्नारा कह रही, मुनव्वर अपन को चाहिए भाई, देखो ये आदमी लेडीज मैन है, बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, खुद कह रहा हूँ आपको। मुनव्वर से मेरे को खुद को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये मसला क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। कि मुनव्वर जिस औरत के साथ बैठ रहा है वो उससे थोड़े समय बाद इम्प्रेस हो जाती है, कुछ अदाएं कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी मुनव्वर से। मतलब अंकिता जी को आप देखो, अंकिता जी भी उसको कह रही है कि मुनव्वर मुझे तेरे लिए हर्ट हुआ, दुख हुआ, एज अ ब्रदर, लाइक छोटा भाई की तरह वो उसको वैसे कर रही है। यहाँ पर जिग्ना जी आई थी, यू रो रही है मुनव्वर, बता क्या करे, तू ही बता। रिंकू जी को उससे इतनी मोहब्बत हो गई, रिंकू जी देखो अपनी शिटिंग ऐसे करके, रिंकू जी अपनी छोटी बालों वाली हेयर स्टाइल थी उनकी, शिटिंग ऐसे कर करके रिंकू जी को इतना पसंद आने लग गया था। अंकिता जी का आप देख ही रहे हो, घर के अंदर आयशा तो फरियाद लेकर के आ गई, गुस्ता के मोहब्बत में हमारे साथ जो जुल्मात घटे हैं उसकी दुआई देते हुए हम बिग बॉस के घर में आ पड़े हैं। पड़े मतलब बेहोश भी हो गई थी एक दो बार, तो वो भी आ गई थी, अपना छोटा मकान बना लिया उसने सीढ़ियों के नीचे। खानजादी ऊपर चढ़ जाती थी उन सीढ़ियों पे, वो नीचे चली थी उन सीढ़ियों के नीचे रहने लग गई। हम अपने इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम तख्तो ताज पर नहीं बैठेंगे। इस झूठे राजा से कहिए कि हमें जिस तरह के वादे करके गया था सल्तनत हकूक के, अब हम तब तक जमीन पर ही रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। पूछिए इनसे, पूछिए। तो अब इसे देख लो, ईशा अपने दर्दो हुकूक को लेके चली जाती थी, बता मुनव्वर समर्थ के साथ बट नहीं रही, अभिषेक की तरफ ऐसे गर्दन जाती, पकड़ पकड़ के सीधी करती, फिर चली जाती, फिर सीधी करती। हमारा इलाज बताइए आप। जो मैं बात आपको हमेशा से कहता रहा वो सेम मुनव्वर फारूकी ने कही कि 9 वीक तक इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे आसपास आए। और मैंने आपको ये वर्ड शायद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बोले होंगे। मेरा एडिटर निकालेगा नहीं, तुम में से कोई निकालना चाहे निकाल लो, हमारे एडिटर के पास इतना टाइम नहीं है। वो थोड़ी देर सोते हैं, फिर सो करके जब थक जाते हैं, फिर थक के सो जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग निकालिए। तो जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी, मतलब अब इसके बाद में मन्नारा है, ये बाज ही नहीं आ रहा आदमी एंड में, मतलब मन्नारा बाहर ना जिला रहा, फिर ये आदमी बाज ही नहीं आ रहा है। बताओ इतना, मतलब लेडीज मैन तो है भाई ये आदमी। अब आपको गलत लगे सही लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको थोड़ा ये तो देखना पड़ेगा ये आदमी कांडी। मतलब कह रहे अपनी वो आज मन्नारा कह रही है पता नहीं क्या करता है अनुराग भैया, अरुण भैया पता नहीं क्या करता है, ये बैठता है मुझे बेचारा सा लगता है, मुझे दया आ जाती है, इसकी कपड़े ये धो रहा होता है, साबुन मैं लगा देती हूँ, इसकी पानी की बाल्टी उठा लेती हूँ, इसकी मदद कर दूं मैं। किसी भी तरीके से मुनव्वर भैया लोगों को लेके चलाया था अपनी तरफ। ये आदमी खराब है यार, इसने अपने फैंस भी ऐसे बना रखे कल्ट वल्ट टाइप्स। ये MKJW क्या है ये तुम्हारा, ये MKJ है, ये गलत है। क्या है वो फैंडम, ये गलत है। मुनव्वर की कल्ट जनता, ये आदमी सही नहीं है। चलिए गाइस, अभिषेक का गेम भी बहुत जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन उसने खेल खेला है, लोगों के दिलों तक पहुंचा है। प्यार तूने क्या किया वाला एकदम जबरदस्त वाला लड़का है, उसको ईशा के लिए रोना आना। आज भी ईशा की तारीफ करते हुए कह रहा था कि विक्की भैया ईशा 1.5 मिलियन वाली लड़की को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है। इसमें मुनव्वर को भी अपना इश्क झलक गया। मुनव्वर वो छोड़ो आयशा से भी आगे निकल गए मियाँ, मतलब 4 दिन आयशा और रुक जाती मुनव्वर मियाँ आपको भी ठीक लगता मतलब। तो देखिए प्लेयर्स अब बहुत जबरदस्त है, सोचने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आपको टॉप 3 के बीच में वोट्स करने हैं। मन्नारा को बिग बॉस तो यहाँ तक लेकर के आ गए, पर मन्नारा एक पर्सनालिटी के हिसाब से देखो, इफ यू सी द शो, इफ यू लाइक आप एक इसको इस तरह से शो को देखो कि किस तरीके का शो था, तो मन्नारा जैसे लोग भी बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी होते हैं। और मेरा तो मेरा है, नहीं तो फिर इसको तोड़ दो, बिखेर दो, खराब कर दो। सो दैट्स लाइक बहुत जबरदस्त वाली ये चीजें दिखती है। आइकॉनिक विनर मुनव्वर वारो से संधू। क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट द नीड मुनव्वर गॉट टू मेंशन अबाउट द किस। हा हा हा, स्टार्ट विद 0। हाँ ये वाली चीज हमने भी सुनी, हमने भी देखी। बिकॉज मुनव्वर, वार लिखा है इन्होंने आज, मुनव्वर इज चार्मिंग, ही नोज हाउ टू स्पीक टू अ लेडी, ही इज वेरी पेशेंट, आप भी किसी से कम नहीं हो। थैंक यू हेजल साहब। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, कई चीजें अगर इसकी मुझसे मिलती नहीं होती तो मैं इसके बारे में इतनी बात थोड़ी कर रहा होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मेरे साथ भी है। बाय द ब्लेस ऑफ गॉड मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी को आसान करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो लेडीज आप लोगों का है। मतलब पता है मैं 70 ईयर्स ओल्ड चाहे 80 ईयर्स ओल्ड किसी दादी से भी मिलता हूँ ना, तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही होती हैं कि जैसे मैं उनका बच्चा हूँ। मैं मेरी माँ की एज की किसी भी लेडी से मिलता, माँ से मिलता, ऑल ऑफ योर मदर्स लाइक, तो उनको भी मैं अपना बच्चा सा लगता। मैं लड़कियों को अपने भाई जैसा भी लगा। मुझे लड़कियों ने एज अ फ्रेंड भी बहुत पसंद किया। अपने दिल के हाल दर्द बताने में कभी देर नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, स्ट्रगल वालों की एक अलग कहानी होती है, एक अलग शाइन होती है, उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर लाइक दिस टॉपिक, वरना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा। मन्नारा बहुत रोई थी भैया, मन्नारा बहुत रोई थी, मेरे को दे दे वो। मन्नारा की आंखों में आंसू देख करके मैं आपको क्या बताऊं, बहुत तकलीफ हुई मुझे। खैर विक्की बाहर जाके पार्टी करेंगे नहीं करेंगे, पर यहाँ पर पार्टी मूवमेंट चालू हो चुका है। शो बहुत जबरदस्त वाला जा रहा है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। हाय मनु, मुझे बार बस डर, मनु बस मुझे डर बस इस बात का है कि ये बीबी सीजन 15 के जैसे अनडिजर्विंग पर्सन को विनर ना बना दें। विवेक अय्यर का ये कहना है। अब इस पर हमारा तो क्या कहना है। डायलॉग ऑफ द डे इज अपरिचित। आई हैव वोटेड टू अभिषेक एंड अरुण फ्रॉम सेकंड फोन। अरुण जीता तो सबसे बढ़िया, नहीं तो अभी अंकिता और मन्नारा ना जीते। मनबीर संधू बिल्कुल अरुण के लिए इमोशन बिग बॉस ने हम सबके दिलों में जगा दिए। बट आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस कि एक्चुअली उसकी जर्नी बहुत टिपिकल है और बहुत टफ थी, बहुत ज्यादा टफ थी। गाइस वीडियो को लाइक कर दो ना यार, क्या दिक्कत है यार। और मेरे को क्या फायदा है वीडियो लाइक करवाने से, मैं भी अपने आप से पूछ लेता हूँ। एंड ये डायलॉग ऑफ द डे तो था भाई अपरिचित वाला, जबरदस्त। मोहम्मद मॉइज, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। यू आर द बेस्ट रिव्यूअर, विल मिस यू आफ्टर द सीजन। सोनाली पाटिल, थैंक यू सोनाली पाटिल, लव यू सोनाली पाटिल। क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन, दिस वॉज माई फर्स्ट बिग बॉस सीजन। आई वॉच्ड बिकॉज ऑफ मुन्ना बट आई हैड वॉच्ड बिफोर। आई वुड लर्न मैनी थिंग्स, हाउ टू हैंडल सिचुएशन एंड वी कॉल आउट आवर फ्रेंड्स और एनीवन वी शुडंट ले बैक इन It hurt, absolutely. I can connect with you. विक्की भैया गेम से आउट जरूर हुए हैं, लेकिन ट्रॉफी जिताने के लिए अभी 100% अंकिता ही जीतेगी। किरण पाल सिंह जी, लगातार ये पर्चियां बांट के लोगों को घर में डाल रहे हैं कि कांकोरी से ट्रेन लूटी जाएगी, रात को 2:30 बजे लूटी जाएगी। उस तरह से इन्होंने यहाँ पर फिर एक बार लिख दिया है कि जीतेगा कौन, टेबलेट में 5% ही, यहाँ पर उसका कटोरा लगा, उसका चार्ज लगा दे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्विटर ट्रेंड 4M कंप्लीट आइकॉनिक विनर मुनव्वर जैनेब हैंडलूम कह रहे हैं। क्या बात है भाई, इसका तो बहुत फैन बेस बहुत तगड़े वाला है। प्रशांत चौधरी, मुनव्वर बहुत सेफ खेलता है, लव यू फ्रॉम मेरठ। प्रशांत, सेफ खेलना अच्छी बात है, जिंदगी बहुत लंबी है, सारे एक्सपेरिमेंट एक ही बार में क्यों कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ के दिखाया ना आपको उसने। राधिका शर्मा, मन्नारा को मीडिया वालों ने डरा दिया। एब्सोल्युटली राधिका, वो डराना ही चाहते थे उसको, क्वालिटी मतलब उसके लिए क्वालिटी चेक बना दिया, पर उसके साथ हुआ गलत। बाहर विक्की, मन्नारा को कोई एंगल नहीं है बट उसे ये बताया गया कि ऐसा नैरेटिव चल रहा है, एब्सोल्युटली उसको डराया गया। सुनील वर्मा, विक्की इज ओनली विनर, अब तो सब लालटेन है, ऐसा है। सुनील विपुल, ट्रॉफी तो मुन्ना ला रहा है। मनु, यू आर प्योर हार्टेड, थैंक यू विपुल साहब, थैंक यू। वाहिदा बानो, घर का एक ऐसा कोई कोना नहीं जहां मन्नारा ने मुनव्वर की बुराई ना की हो, स्टिल उसको मुनव्वर चाहिए। वाहिदा बानो, मैं आपको बता रहा हूं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नटखट बदमाश। अब आप किसी भी तरीके से इसको ले लो, बट मैं इस चीज को वैसे लेता हूँ कि हाँ, उससे ये गलती तो हो रही है। एंजॉयड योर रिव्यूज मोर देन एक्चुअल एपिसोड, थैंक यू so much for entertaining with your reviews. God bless you, Manu. Munira. Thank you for the super chat, Munira, and thank you for the great comment. Fashion Fiesta. Manu भाई, मेरी मम्मी को मेरा ये मैसेज दे दो, वो आपका शो देखती है। मम्मी आज लेट होऊंगा आने में, मेरा खाना बाहर है। आए हाय मम्मी जी, कदों मुंडा नू छड़ना पौदा है, तो रहने दो, बच्चा थोड़ी लेट आ जाएगा पर आ जाएगा। ओए तू बाहर जा, कोई कांड कूंड मत करियो। बट लव यू, आपने मुझे मैसेज किया। भाई जल्दी दे, 2% है। लाया नहीं क्या चार्जर, वो लाना इसकी ट्रोली। ये लगा, ये यहाँ से लगा, इसमें भी ये भी चलता है। ए वीरे, तेनू की वेरा ही नहीं है। अंकिता मंजुलिका, हॉरर मूवी में पक्का देखूंगा भाई। अरुण की रियल टेस्टिंग हुई, कैसे बुलाया नहीं, एक बार बंदा टूटा नहीं, पेशेंट लेवल है, जबरदस्त पेशेंट लेवल है, and salute to him, yeah, definitely salute to him. I am watching your reviews past from 2 years. I personally never seen आपने कभी हिंदू मुस्लिम किया हो. Educated people not do this. I slip daily by listening your reviews. Love you from वडोदरा गुजरात. Thank you. माज अंसारी साहब, आपको एक बात बताऊं क्या, उतनी औकात नहीं है मेरी कि मैं इतनी बड़ी बात कर सकूं. उतनी औकात नहीं है मेरी. मैं मेरा घर संभाल लूं, अपना मंदिर संभाल लूं, अपनी जिंदगी संभाल लूं, अपना परिवार पाल लूं, इतनी औकात है मेरी. इससे ऊपर नहीं है मेरी औकात कि मैं इतना बड़ा बड़ा सोचूं कि क्या हमारे हकूकदार या क्या हमारे बड़े सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. मैं नहीं, मेरे पास इतना वो है ही नहीं. अरुण भाई को पूरा गेमिंग कम्युनिटी का सपोर्ट था शुरू से अब तक. क्या बात है एस्टर ऑटोमोबाइल, जल्दी कर रहा है, फटाफट सोच इसका ऑल्टरनेट. अरुण इज अ मैन ऑफ कहीं और होगा जाना, निकल जाए इधर उधर से. अरुण इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, व्हाट अ जर्नी. उसको ट्रॉफी मिली तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. आई नो कौन जीत रहा है, स्टिल वांट अभी और अरुण को जीत मिले. मनबीर संधू, क्या बात है मनबीर संधू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. करमुद्दीन खान, थैंक यू फॉर द सुपर चैट. रोजर्स, डिड यू वॉच unedited press conversation? Munna was so good, obviously. BB didn't show in episode, only showed Ankita ji like Devi. Seriously boycott BB. इनका ये कमेंट है यहाँ पर. हाँ, लोगों ने बहुत सारी क्लिप्स मुझे यहाँ पे भेजी जिनके अंदर मुनव्वर की बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स थी, पर हमें तो शुरू से पता था कि ये सब चीजें होती है और मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ. आपको उसका बुलाना चाहती हूँ, होप बिग बॉस के बाद आपको यूएसए. अरे उसका देखो, गरीब आदमियों को यूएसए को उसका पढ़ लिया, पर तुमने पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे के लिए. हमारे यहाँ यूएसए को कैपिटल में लिखते हैं. आलिया प्लीज, मैं मनु @gmail.com पे मुझे मेल करके मुझे बुला लो. मैं खुद यूएसए थोड़ी छुट्टियां करके फ्लॉन्ट मारना चाहता हूँ, अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को चिढ़ाना चाहता हूँ. मुझे बुला लो प्लीज. कॉल मी भाई. हैदराबाद भेज दो ट्रॉफी साउथ का, अजय देवगन. माइक ड्रॉप भाई. सब कंटेस्टेंट की फट गई है अरुण से. अरुण अभी मुन्ना डिजर्व, बाकी टू डोंट डिजर्व. या एब्सोल्युटली मनबीर संधू फट भी रही है और डिजर्व करता है भाई. मैं भी कह रहा हूं उसको एक ट्रॉफी तो दे ही दो भाई. बचपन में बहुत गरीबी देखी है भाई. एक टाइम खाना होता था, एक टाइम. आज अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है. मिस्टर फैज सिद्दीकी साहब, आप ये मत सोचें कि आप अकेले थे उस बोट के अंदर. मैं और मुझ जैसे बहुत सारे और भी लोग थे. तो ठीक है, सबके साथ होता है, पर स्ट्रगल से जो चमक आती है ना, उसका अपना मजा होता है. और अमीर अगर आप हो और आप लॉयल हो, अच्छे हो, कंटिन्यू, फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो भी बहुत जबरदस्त चीज होती है. BSJ said to Vicky evicted, said to her that Vicky is evicted, ऐसा लिखना चाहते थे आप. He deserve over अरुण. अब पक्का लगता है For sure, Arun can win BB17. मुझे बात कर बीच में. Today even Munawar felt Arun call win. Big Boss sent Vicky out so he can do voting for Ankita and make her win. Oh, mic drop comment. किसी को कहीं भी लगा दे. हाँ कर दे. किसी को बंद कर रहा है लाइट को. हाँ कर दे. 1 मिनट के लिए तकनीकी ऊपर नीचे होगा. लाइटें बंद होगी हमारी, अब हम मैनेज कर लेंगे. Because Munawar is charming. ही अच्छा ये तो पढ़ लिया था. Astro वंदना, तुम कहाँ चली गई? एस्ट्रो वंदना तुम कहाँ चली गई एस्ट्रो वंदना जी. मुन्ना का वीनस प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, इससे वो वीनस प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है. एस्ट्रो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं. इसी वजह से मेरा भी शुक्र बड़ा ही माउंट सा बन जाता है. आप देखिए, दिख रहा होगा आपको यहाँ से. सो भाई इतनी बार वोट कर सकते हैं एक फोन से. अच्छा, ये सब मुझे नहीं पता है गाइस. ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बार वोट कर सकते हैं. चालू नहीं हुआ अभी तक. ये मुझे आइडिया नहीं कि कितनी बार वोट कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा. परमिंदर सिंह जी, भाई लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम केरला, प्लीज विजिट. भाई डिडंट नो मुनव्वर बिफोर दिस शो बट समहाउ आई लाइक्ड हिम. माय व्यू अभिषेक, मन्नारा, अंकिता ऑल हैव सम रिलेशनशिप विद मुनव्वर. योर रिव्यू. या राहुल रंजन साहब, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं. मैंने भी अभी यही चीज कही थी भाई. आपके हिसाब से कौन जीतेगा? विक्रमादित्य, मेरे हिसाब से यहाँ पर मुनव्वर फारूकी शो को जीतेगा, क्योंकि मुनव्वर इसलिए जीतेगा, हमने हर जगह पे पोल करके देखा है तो वहां पर भी मुनव्वर जीत रहा है। अब अगर कुछ लोगों का कहना है कि वो वोट्स हैं, वो रियल वोट्स नहीं है, तो फिर अपन देखते हैं क्या होता है, पर अभी तक तो मुनव्वर जीतेगा। आफ्टर फिनाले मिस करूंगी हर रोज यहाँ आना। शाहिना, हम लोग डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे, हम एक शो लेकर के और आपके पास आएंगे। हम शॉर्ट फिल्म्स पे भी काम कर रहे हैं, हम छोटी छोटी पिक्चर्स भी बनाना चाह रहे हैं, शॉर्ट मूवीज, आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इफ अरुण, हाँ हो गया, थैंक यू। इफ अरुण डिडंट प्ले एंड वॉज स्लिपिन ऑल सीजन, रेस्ट डिडंट प्ले एनी गेम विथ ओपन आईज, रेस्ट डिडंट प्ले any game with open eyes, winner should be least worst, Arun strong against rest, toxic people love you। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल mystic musings, बिल्कुल agree with you। मधुरिमा, Vicky's game was ruined by Big Boss and Ankita, LC deserved at least top 5, Abhishek or Munawar for the win, both हैंड अप एंड डाउन जर्नी। क्या बात है मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। विकी का ये निकलना, विकी इविक्शन इज नॉट एट ऑल लाइक, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं था। इट्स नॉट एट ऑल लाइक अप्रिशिएटेड, जेन्युइन नहीं था। यू आर टू गुड विथ योर पॉइंट्स एंड ट्रू, थैंक यू। सैड पी वाहिदा, ओनली डिजर्विंग पर्सन टू विन द ट्रॉफी इज बिग बॉस हिमसेल्फ, बिकॉज बिग बॉस के तरह कोई नहीं खेल सका, बिग बॉस खुद ट्रॉफी ले लो। Absolutely, Hiba, thank you for the super chat। Mohammed Singh, thank you for the super chat। Mohammed Singh, हाँ, right। Big Boss खत्म होने के बाद आपको बहुत मिस करेंगे। मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर होता तो मैं चाहती हूँ वो आपके जैसा होता। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। मीता सिंह, थैंक यू मीता सिंह जी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू। It's a great compliment, I must say। Thank you। BSJ, Ankita being top TV actress undoubtedly has a big heart because she always scolded anyone who felt low। Absolutely, she always tried, वो हमेशा लोगों के पास जाती थी। This shows she is not that egoistic, she is not egoistic। एक एज होती है, एक maturity होती है, एक level होता है, उस पर जाके आदमी थोड़ा ऐसा करता है। मन्नारा क्लेवर, like she is portraying Ankita in a bad light, that's why you are mentioning this, please बताइए। Lyric Zone, thank you for the super chat। Lyric Zone, thank you for the super chat। यही पढ़ना था हमें, नहीं यहां से पढ़ना था। Okay, सब्सक्राइबर ओनली मोड करिए कल से, लव यू ब्रदर शिव त्रिपाठी। कल से शिव त्रिपाठी यही करेंगे, कल से सब्सक्राइबर मोड ऑन होगा टिल द एंड ऑफ बिग बॉस। माई वाइफ सिमार बिग फैन ऑफ यू, वीरे लव यू from California। Jimmy Khana, thank you Jimmy ji and thank you Babi ji, love you Babi ji। मुझे बुलाओ अपने घर पे खाना खिलाने के लिए, कैलिफोर्निया बुलाओ मुझे, इतनी दूर गांव बुलाओ मुझे। सुशांत, विकी भाई का अब पावर दिखेगा सबको जब अंकिता जीतेगी, सब देखते रह जाएंगे। फुल सपोर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू अंकिता। क्या बात है सुशांत भाई। अनुज, इस बार मनी बैग कौन उठाएगा, क्या लगता है आपको अनुज? बहुत ज्यादा सोचने लायक ये चीज है, सिचुएशन आने दो फिर देखेंगे। इफ यू वॉच मनारा सिस्टर इंटरव्यू इन पिंक विला, यू मे अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली मनारा इज। आफ्टर लिसनिंग टू हर सिस्टर स्पीक, आई फील्स लाइक मनारा इज अ रॉ एंड शाइन कम फॉर अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट एंड शी डिडंट नो वॉट बीबी इज ऑल अबाउट। हैजल, हेजल मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, मुझे भी ऐसा लगा है, आज भी लगा है, पहले भी लगा है उसके अंदर। लिरिक्स जोन, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। लव्ड व्हाट बिग बॉस सेड फॉर अभिषेक, कान पकड़कर सीधा करने की कोशिश की। एब्सोल्युटली, इट वाज फैंटाबुलस, मे अल्लाह ब्लेस यू। इंटरनली मनु भाई, जो माँ बेटियों की दुआ लेता है उसको अल्लाह कामयाबी जरूर देता है। थैंक यू फरहाना पाटिल जी, थैंक यू। अवधि मैंने पढ़ लिया था। अवधि, वोट फॉर अभिषेक, आई लव यू मनु भाई, बेस्ट रिव्यूअर अवधि दी, थैंक यू। से समथिंग अबाउट सिद्धू मूसेवाला। हीबा, सिद्धू मूसेवाला के गाने हम लोगों ने बहुत सुने हैं, ही इज अ लेजेंड स्टार और हमें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी के जाने के बाद अगर आप उसको सुन रहे हो, देख रहे हो, पहचान रहे हो, जान रहे हो, तो वो हमेशा एक सितारा होता है जो आसमान में दिखता है। तो सिद्धू मूसेवाला इज लाइक दैट ओनली। बेबी राना, मनु सर कैसे हो आप? मैं बेहतरीन हूं, आप कैसी हैं? आपने ईशा का इंटरव्यू देखा, वो अभिषेक को आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू बताया। ज्यादा वो उसके साथ रही है, वो बेहतर समझ सकती है। हमें जैसा दिखा हमने बताया, उसे जैसा दिखा वो उसने बताया। दैट्स डिपेंड ऑन हर ओनली, राइट? वो उसकी पर्सनालिटी है, अपनी है। आपका स्ट्रॉन्ग है बट शादी मत कर लेना, खराब हो जाएगा उसके बाद। ओह माय गॉड। KPS जैसे लास्ट टाइम रैपर कम्युनिटी से MC स्टैंड को विनर बनाया, वैसे सेम पैन इंडिया में बिग बॉस अपना नाम करने के लिए अरुण को जीता दें। उसको 25M सब्सक्राइबर्स वाले गेमर स्टोरी लगा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बालाजी गेम्स, आई नो सर, छोटा घर बनाया सीढ़ियों के नीचे। आपको अच्छा लगा ना अबीर? आपको पसंद आई ना ये बात? बस हमारी ट्राई भी यही थी। मनबीर, मनबीर का कमेंट, मनबीर कहाँ गया? उसका कमेंट भी कहाँ गया? मनबीर कहाँ गया? बताइए दोस्तों। सो चलिए, ये थे आपके कमेंट और पढ़ते हैं। यहाँ पे मुसीबत मरदाते पैंदी रहती है, तभी तो ये दुनिया सवाद लेंदी है। बैक बिचिंग क्वीन DK बोल रहे हैं मनारा इज अ बैक बिचिंग क्वीन। और पीछे से बात करती है वो, मतलब सी उसके पीछे रीजन यही है कि उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, उसको गुस्सा आने लगता है। वी विल मिस दिस जर्नी विद यू, डॉक्टर पल्लवी हेयर। डॉक्टर पल्लवी, आई ऑल्सो गोना डेफिनेटली मिस यू बिकॉज आप एक इंसान को देख रहे हैं, आप एक शख्सियत को देख रहे हैं, रिव्यू पे आकर के सुन रहे हैं। आप सोचो, मैं आपके इतने सारे नाम, इतने सारे लोग और वही हूँ, स्पीडीली कमेंट चलना, मेरा कैमरा की तरफ देखना, मेरे साथ क्या होने वाला है पता है आपको? बिग बॉस करने के बाद कई बार कुछ दिन तक तो रिव्यूज करने के बाद स्केड्यूलिंग सारी डिस्टर्ब हो जाती है और लास्ट के 20-25 दिन बाद तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इतना टायर्ड हो जाता हूँ, मेरी आंखें थक रही होती हैं, स्वेल हो रही होती है। आफ्टर 70, 80, 90 डेज बहुत बुरी हालत हो रही होती है। फिनाले के आसपास तो वाट लग जाती है और खत्म होने के बाद 4-5 दिन तक आप सोच लो होशो आवाज में नहीं होता मैं पूरे अपने। भाई अभी ये विक्की पे पाँव छू के रेस्पेक्ट, अच्छा भाई अभी ये विक्की के पाँव छू के रेस्पेक्ट पे कितना, हाँ रेस्पेक्ट कितना मैं देखा। अभी दिल से अच्छा है, गेम के लिए लड़ा जस्ट फॉर शो, अदरवाइज ही इज अ गुड मैन। अभी शुक्र वीक है मनबीर संधू। अभी का शुक्र वीक है, पर अभिषेक ने जो विकी के पैर छुए, मैं इन चीज़ों के पर एक्चुअली ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज लाइक लोगों का कैसे ओपिनियन, कैसी चीज़ें होती है। बट या ही इज अ जैम, ही इज अ जैम डेफिनेटली, मानता हूँ मैं। और शुक्र वी के वो दिख रहा है। फुल सपोर्ट टू अंकिता फ्रॉम जोधपुर एंड जोधपुर में मैक्सिमम पीपल आर सपोर्टिंग अंकिता। रुद्र प्रताप सिंह, क्या बात है रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं भी जोधपुर ही हूँ सर। फुल सपोर्ट फॉर अंकिता, अच्छा मैंने पढ़ लिया है वाला कमेंट ना, राइट राइट। और जोधपुर में किया ठंड भी जी किया पड़ रही है जोधपुर में, इतनी चीज़ें मिस करो, इतनी चीज़ें मिस करो। मैं आपने कहा बताऊँ, मतलब जोधपुर रो, मिर्ची वड़ो, मतलब ही बताऊंगा, मतलब 50 चीजें मिस करता हूँ। चलो गाइस, प्रोमो दिए बीरा, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोमो देखो एक बार, प्रोमो अच्छा है। मनु जी, मुनव्वर वेयर द होस्ट ऑफ बिग बॉस फ्रॉम बांग्लादेश, आई विश यू वेयर द, सॉरी सानिया, आई विश यू वेयर द होस्ट ऑफ बिग बॉस, लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। आंसू छलके। देखो बनना तो मुझे भी चाहिए क्योंकि साल तो मुझे बहुत सारे हो गए अब इसके शो का हिस्सा रहते हुए भी और रिव्यू करते हुए भी। तो बिग बॉस अब चीटिंग मत करो, अब इनका कहना मान ही लो आप। प्रोमो आया, प्रोमो क्या बात है भाई। दिल दिमाग और दम की परीक्षा होगा, बिग बॉस कह रहे हैं। भाई मन्नारा इज टिपिकल मोहल्ला आंटी जिनको खाना हजम नहीं होता, 2-4 चुगलियां ना कर लें जब तक वोटर्स सेम होंगे, कर ले हर वोटर्स। मनबीर कह रहा है उसके वोटर्स भी सेम होंगे। मनबीर ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहते मेरे भाई। चलिए कल टॉप 5 की जर्नी दिखाई जाएगी और यहाँ पर हर कहानी को अच्छा करने के लिए हीरो हीरोइन और हीरो हीरोइन तो वगैरह होने ही चाहिए। और अभिषेक को विलन बोल रहे हैं बिग बॉस, विलन से हीरो बनते हैं अभिषेक। ओ माय गॉड क्या बात है। दिल दिमाग और दम तो जबरदस्त तरीके से अभिषेक ने दिखाया, मजा आ गया भाई ये वाली चीज। बिग बॉस थैंक यू यार, आप लोगों को आप लोगों को उनका रिटर्न दे देना यार। जिन जिन के लिए आपने इतना सब कुछ किया बिग बॉस जाते जाते, प्लीज अभिषेक को और मुनव्वर फारूकी को प्लीज क्लीन चिट देना। ट्रॉफी वोट्स पे है, फैंस पे है, वो लोग दिलाएं उनको दें, बट आप प्लीज क्लीन चिट जरूर देना, क्लीन चिट यार। दे गाइस आर जेम, बच्चे हैं, गलतियां हुई है, सालों को दे दी ना आपने जितनी टड़ियां देनी थी, माँ बाप से भी दिलवा दी, तो बस अब थोड़ी सी इनकी वो कर देना चीज। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोमो, आप इतने भी बुरे नहीं है अभिषेक, बिग बॉस यहाँ पे बोल रहा है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अभिषेक यहाँ पर विकी का एविक्शन मुझे पसंद नहीं आया, बट ऑल एंड ऑल रेस्ट थिंग्स आर ओके। मनु भाई बैंक नेटवर्क इश्यू, कमेंट नहीं हो रहा है आज। रोहन बंसल, ओह माय गॉड रोहन, तुम्हारे फीडबैक की कितनी जरूरत थी आज। तुम कुछ करो, बैंक के नेटवर्क को बोलो ठीक करें वो अपने नेटवर्क को, तुम्हारे चीजों की बहुत सारी जरूरत थी। एंड प्रोमो इज फैंटास्टिक, मजा आएगा इसको देख करके। गाइस कल के शो को बहुत क्रिस्प और बहुत जबरदस्त होने वाला है, सो आप कहीं मत जाइएगा, अपने टीवी से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब तक आपने किया है अपनों को सपोर्ट, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं उनके साथ चोट। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें चाहते हैं उन्हें प्यार करते रहिए, क्योंकि जब वो आपके पास आएंगे बाहर जीत करके ट्रॉफी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ हिस्सा आपका भी होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी अपनी मम्मी को कहिएगा कि मनु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मनु पंजाबी, आप सबकी मम्मी को बोलना मनु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने कहा पेरी पौना टू ऑल मम्मी जी। एंड गाइस एक और चीज, शब्द है सब बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और मैं भी कोई शब्दों का फनकार तो हूं नहीं, गलती मुझसे भी हुई होगी, तो मुझे भी माफ कीजिए और खुद को भी माफ कीजिए। 4 दिन बाद ये शो नहीं होगा, शायद आप कभी कभी सोचोगे नोटिफिकेशन नहीं आया मनु का, राइट। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर। आपका दोस्त आपका होस्ट मनु पंजाबी, जिसे प्यार करते हैं, जिसे सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, उसको वोट्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मनु पंजाबी। अगर आपको कुछ बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लव यू।